हेलो हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर शशि त्यागी टुडे वी विल डिस्कस टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पार्ट टू इन डिफरेंशियल कैलकुलस स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स लेंथ ऑफ कार्टिजन टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल रिलेशन बिटवीन कार्टिजन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर

दोनों कर्व का एंगल ऑफ़ इंटरसेक्शन कहलाएगा हमारे पास दो कर्व हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो फाइव एक्स वाई इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले हम इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व सपोज हमारे पास आ रहा है एक्स वन वाई वन इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन फाइंड द स्लोप इस पॉइंट पर हम स्लोप दोनों कर्व का स्लोप फाइंड कर लेंगे एम वन एम टू एम वन एम टू एट एक्स वन वाई वन एम वन की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन और फर्स्ट कर्व एम टू इज डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड कर्व एट एक्स वन वाई वन ना डिफरेंट केसेस अर इफ एम वन इक्वल टू एम टू एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो डिग्री एम वन अगर हमारे पास इंफिनिटी एम टू जीरो है आ रहा है तो एंगल ऑफ़ इंटरसेक्शन नाइन्टी डिग्री होगा इफ़ एम वन इंटू एम टू माइनस वन है दो अगेन एंगल ऑफ़ इंटरसेक्शन नाइन्टी डिग्री होगा एंड वी से दैट द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इन अदर केसेस द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज इक्वल टू उसको हम इस तरीके इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे टेन इनवर्स मॉड एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू नाउ फाइंड दी लेंथ ऑफ कार्टिजन टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल इसके लिए हम स्टूडेंट इस फिगर को देखिए ये फिगर हमारे पास इसमें कर्व है हमारे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स P हमारे पास पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट हमारी है पी टी टी डैश पी टी टी डैश टी पॉइंट पर टी पॉइंट पर कट कर रही है टेंजेंट और वाई एक्सिस को हमारी टी डैश पॉइंट पर कट कर रही है पी एन इसमें हमारे पास नॉर्मल है पी से हमने X पर परपेंडिकुलर uh, डाल दिया है पी एस एंगल जो टेंजेंट हमारी बना रही है एक्सिस से वो हमारा साई है और एस पी एन ये एंगल भी हमारा साई होगा क्योंकि ये दोनों लाइनें हमारी पी एस और ओ वाई जो वाई एक्सिस है पैरल है तो ये एंगल हमारा साई हो जाएगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें हमारी हो जाएगी पी टी लेंथ ऑफ नॉर्मल एस पी एन एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज़ ये जो हमारा सिगमेंट है पी टी जो एक्सक्सिस पर प्रोजेक्शन डालता है टी एस इक्वल हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ सब सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो हमारी एस एन आएगी तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एच पी पर ये पी के लिए पी पॉइंट जो है उसके लिए हमारी है ये तो इसमें हमारा यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमारी पी एस पी एस इज वाई एंड ओ एस इज एक्स तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज पी टी इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई वाई कॉस एक्स आई विच इज़ इक्वल टू वाई अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर साई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी टेंस आई है यहाँ से देखिए जो स्लोप है हमारा विच इज इक्वल टू वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस डी एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर ऐसे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टी एस है आ जाएगी वाई कॉट साई इसकी वैल्यू होगी कॉट साई की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो ये हमारी आ जाएगी वाई डी एक्स ओवर डी वाई विच इज इक्वल टू वाई ओवर डी वाई बाई डी एक्स ये मल्टीप्लीकेशन में है हमारा वाई डी एक्स dy डी वाई ऐसे लेंथ ऑफ नॉर्मल इज पी एन वाई सेक्स आई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर tan टेन की स्क्वायर सई की वैल्यूज रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऐसे ना जाएगी वाई टेन साई विच इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटरसेप्ट मेड tangent on ऑन coordinate axis the इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P पर हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है वाई माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स दिस मीट्स ओ एक्स वेयर वाई इक्वल टू ज़ीरो इसमें एक बार हम वाई इक्वल टू जीरो निकाल लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स माइनस वाई ओवर डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा आ जाएगा जो एक्सिस का इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये एक्स माइनस वाई ओवर डी वाई बाई डी एक्स हेंस द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ओ टी दैट द टेंजेंट कट्स ऑफ फ्रॉम द एक्सिस टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस पर जो कट लगा रही है उसकी ये हमारी लेंथ आ जाएगी सिमिलरली जो वाई एक्सिस पर हमारा कट लग रहा है टेंजेंट से उसकी वैल्यू हमारी क्या जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो हम उसमें पुट कर देंगे तो वाई हमारा ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हैंज द इंटरसेप्ट ओ टी डैश मेड बाई देंजेंट ऑन वाई एक्स इज दिस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इस फिगर को देखिए इसमें हमारा ये जो लाइन है हमारी ओ पी ये हमारा रेडियस वेक्टर है पी हमारे पास पॉइंट है थीटा इन पोलर फॉर्म और एक्स कार्टिजन फॉर्म में पी का पॉइंट क्या जाएगा एक्स पी एक्स वाई तो दिस दिस डिस्टेंस पी एम इज़ वाई कहलाएगा ओ एम इज़ एक्स कहलाएगा और ओ पी की वैल्यू हमारी जो रेडियस वेक्टर है वो आर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है ये रेडियस वेक्टर ओ पी उसकी वैल्यू हमारी थीटा है अब हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना है रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा इस ट्राइंगल से आ जाएगा ओ पी ओ पी एंड ट्राइंगल को से देखिए तो ये वैल्यू हमारी x की आ जाएगी ये वैल्यू हमारी y की आ जाएगी इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा वाई बाई एक्स और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हम लिख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा इस फिगर में आप देखिए ये हमारा पॉइंट ओ है पोल ये हमारी एक्सिस है ये वेक्टर है ओ पी जिसकी वैल्यू आर है एंगल एक्सिस से या इनिशियल लाइन से वो थीटा एंगल बना रहा है इस कर्व पर हमने पी पॉइंट ले लिया है ये और इसी के नेबरहुड में एक पॉइंट हमने क्यू लिया है जिसकी वैल्यू हमारी एक्स प्लस क्यू वैल्यू है जिसमें कि हमारा रेडियस वेक्टर है आर प्लस डेल्टा आर और जो एंगल बना रहा है वो हमारा क्यू पॉइंट का रेडियस वेक्टर थीटा प्लस डेल्टा थीटा और ये एंगल हमारा क्यू पी फाई जो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में बन रहा है ये हमारा फाई है ये हमने इस तरह से ड्रा कर लिया तो इसमें हमारे टेन फाई की वैल्यू टेन फाई हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू ज़ीरो टेन ऑफ एंगल क्यू पी एम क्यू पी एम जैसे पॉइंट क्यू हमारा पी की तरफ जाएगा तो ये डेल्टा थीटा ज़ीरो की तरफ जाएगा और ये हमारी जो कॉर्ड है पी क्यू ये टेंजेंट पे बदल जाएगी हमारी तो इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो क्यू एम ओवर पी एम लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो क्यू एम ओवर ओ एम माइनस ओ पी इनकी वैल्यू रख देंगे हम इस ट्राइंगल से ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आ रहे हैं आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर साइन डेल्टा थीटा कॉस डेल्टा थीटा को एक्सपेंड कर देंगे तो उससे हमारा ये एक्सपेंशन करके ये वाली टर्म्स आ जाएंगी और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो एक आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा आर इसमें जो हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं वो क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है डेल्टा थीटा तो हम ये सारी जो टर्म्स हैं इनको इग्नोर कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा ओवर डी आर ये हमारा आर है तो ये एंगल हमारा आ जाएगा यहाँ से टेन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर से देखिए और इसको हम कॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कॉट फाई इक्वल टू तो वन बाई आर डी आर ओवर डी थीटा एंगल फाई इज टेकन टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको हम लेंगे इफ इट मेजर इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं एंगल को नेक्स्ट पॉइंट नोट करने का ये है कि इसमें हमारी साई की वैल्यू आ जाती है थीटा प्लस फाइव हमारे ट्राइंगल्स आ जाती है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज है इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन द फॉर्म आर इक्वल टू एफ थीटा एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा आफ्टर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी शैल एट वंस गेट क्वॉट फाइव की वैल्यू हमें इससे मिल जाती है मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स ये पहले ऊपर भी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था तो इसमें हमारे पास आर इक्वल एफ थीटा है दो कर में आर इक्वल टू एफ थीटा बी दोलर इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स एंड पी बी दी वन Of their point of intersection. This yeah, intersection point is P. The two curves have a common radius vector at P. Suppose phi is the angle which the tangent to the first curve at P makes with the radius vector of P, and phi2 is the angle which the tangent to the second curve at P makes with the radius vector of P. Then the acute angle of intersection of two curves at P. जो हमारा angle of intersection आ जाएगा वो हमारा इस तरीके से हम इसको define कर सकते हैं phi uh, dash phi टू इसकी value आ जाएगी हमारी mod of phi वन minus phi टू If tan phi वन equal to n वन and tan phi टू equal to n टू then the angle of intersection फाइव वन माइनस फाइव टू इज टेन इनवर्स टेन फाइव वन माइनस फाइव टू और या इसको हम इस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं जिसकी की वैल्यू हमारी आ जाएगी टेन इनवर्स एन वन माइनस एन टू ओवर वन प्लस एन वन एन टू इसमें अब हमारे दो केस आ जाते हैं फर्स्ट केस है इफ N1 minus N2 over 1 plus N1 N2 is positive, we shall get acute angle of intersection at P. And second case N1 minus N2 over 1 plus N1 and 2 is negative, we shall get obtuse angle of intersection at P. In particular, the two curves intersect orthogonally if N1 into N2 equal to minus 1. और ये कह सकते हैं हम टेन फाइव वन इंटू टेन फाइव टू इक्वल टू माइनस वन नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल वन नोमरिकल एग्जाम्पल शो दैट दी पैराबुल्स आर इक्वल टू वन प्लस थीटा एंड आर इक्वल टू बी ओवर वन प्लस थीटा इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये हमें प्रूफ इसमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दो कर्व की क्वेश्चन हमारे पास है दोनों कर की फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस टेकिंग लॉग ले लेंगे इसका बोथ साइड्स लॉग आर फर्स्ट कर्व का लिया हमने लॉग आर इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग वन प्लस कॉस थीटा इसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने इसको तो ये हमारे वन ओवर आर डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा बाई टू पॉट फाइव इसमें आ जाएगा हमारा टेन थीटा बाई टू और फाइव वन हमारा आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू ऐसे ही सेकंड कर्व के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइव टू की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस वन बाई टू थीटा तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारा इस केस में आ जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मॉड फाइव वन माइनस फाइव टू इज पाई बाई टू दस टू कर इंटरसेक्ट और बने नाइन्टी डिग्री आ गया है एम एन वन इंटू एन टू की वैल्यू तो ये हमारे दोनों कर और इंटरसेक्ट करते हैं इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन साइन टू थीटा एंड दूसरा कर्व हमारे पास आर स्क्वायर साइन टू थीटा इक्वल टू फोर इसमें देखिए फर्स्ट कर्व हमारा है इसे लॉग ले, ले लेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है लॉग लिया फिर उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया और इससे हमारे पास एंगल आ जाएगा फाई वन की वैल्यू आ जाएगी टू थीटा सेकेंड कर्व से फाइव टू की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस टू थीटा नाउ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन कर्व फर्स्ट एंड टू इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई माइनस फोर थीटा वेर थीटा इज टू फाउंड एट द पॉइंट हुज वन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर वैल्यू निकालनी है इससे हम इंटरसेक्शन पॉइंट एलिमिनेट आर बिटवीन वन एंड टू वी गेट द वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास आर को एलिमिनेट कर देते हैं तो साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू वन बाई फोर दे आर फोर साइन टू थीटा इज प्लस माइनस वन बाई टू यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई बाई ट्वेल्व हैंस द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वन एंड टू एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू इज पाई माइनस फोर पाई बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही है इस लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस